मॉर्निंग, और कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विश्व दिव्यांग दिवस मनाएं और आप लोग को दिखाते हैं, आगे वीडियो में देखिए कि हम लोग किस तरह से आज विश्व दिव्यांग दिवस मनाएं। तो आगे वीडियो में आप लोग बने रहिए। पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दिव्यांग की जिंदगी को बचाओ, उनके संग जीवन बिताओ, मंजिल उन्हीं को मिलती है, जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ विश्व दिव्यांग दिवस पर आइए, हम सब यह शपथ लें कि समस्त दिव्यांग जनों के सशक्तिकरण तथा समाज में उन्हें सम्मानित स्थान दिलाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। निःशक्त जन आम लोगों से अलग नहीं है। आइए इस विश्व दिव्यांग दिवस पर हम सब साथ मिलकर अपने निःशक्त जन भाइयों और बहनों के प्रति प्यार दिखाएं और उनके सशक्तिकरण के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। किसी को पता है कि दिव्यांग किसको बोलते हैं? किसी को नहीं पता है ना। हम लोग मना लिए, अभी वहाँ तक आए नारा लगाते हुए, अभी शपथ भी लिए कि दिव्यांग को हम लोग सहारा देंगे, लेकिन पता ही नहीं है दिव्यांग किसको बोल रहे हैं, किसको सहारा देंगे। तो ये जानना जरूरी है कि दिव्यांग किसको बोलते हैं। जैसे पहले हम लोग उसको बोलते थे क्या मतलब विकलांग है ना, जैसे किसी का हाथ एक नहीं हो, पैर किसी कारण पोलियो मार दिया हो, तो जिसको हम लोग पहले विकलांग बोलते थे उसको अब नया नाम बोल के दिव्यांग बोला जाता है ना, तो उसी को हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। बहुत को क्या होता है गांव में, कोई पैर से अगर नहीं है क्या बोलता है, देखो लंगड़ा जा रहा है, तो उसको जो उस तरह से है उसको खराब लगता सुनने में, है क्या नहीं, कि हम लंगड़ा है तो हमको लोग लंगड़ा बोलता है, तो ये खराब चीज़ है, ये नहीं बोलना चाहिए। अगर कोई लंगड़ा है तो उसको लंगड़ा ना बोल के हम लोग उसको दिव्यांग बोलेंगे और उसको हम लोग सहारा देंगे। अगर उसको कुछ ज़रूरत है, अगर उसको हमसे मांग रहा है कि भाई हमको थोड़ा हेल्प कर दो, तो उसको हम लोग मदद करेंगे। ये शपथ है ना, कि हम लोग मदद करना चाहिए, ना कि उससे हमको दूर भागना चाहिए। अगर किसी का आँख एक नहीं है, किसी कारणवश अगर ऊपर वाले ने उसका आँख ये है, तो उसको हम लोग अगर उसको कुछ चाहिए तो हम लोग देना, उसको हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, ना कि उसको देख के हमें अपना मुंह इधर घुमा के चल रहे वो आ रहा है मांगेगा। बहुत को उससे घृणा करता है, ये दिव्यांग है, ये लंगड़ा है, ये बहरा है, ये गूंगा है, चलो क्या इसके साथ रहेंगे ये सब। तो वो एक स्पेशल चीज है, उसको ऊपर वाले ने बना के भेजा है, और वो समझ लीजिए कि हम लोग का अगर ये हाथ नहीं काम करे तो कितना दिक्कत होता है ना, और उसका समझ लीजिए नहीं काम कर रहा तो उसको कितना परेशानी हो रहा होगा, वो किस तरह जी रहा है, वो किस तरह अपना दैनिक दिनचर्या कर रहा है, किस तरह खाना खाता है, किस तरह कपड़ा पहनता है, किस तरह चलता बुलता है, तो ये सब चीज़ हम लोग को उसका मतलब जो दिक्कत है वो समझना चाहिए और उसको मदद करना चाहिए, ताकि उसको भी यहाँ पे जीने का पूरा अधिकार है और वो भी हंसी खुशी जी सके। हम लोग जिस तरह से कहीं भी रहते हैं, चल बुल जाते हैं, कुछ भी अपना देख सुन लेते हैं, मान लो कोई कान से ही बहरा है तो वो क्या सुन पाएगा, है ना। हम लोग इतना अच्छा अच्छा गाना सुनते हैं, कुछ भी सुन के आनंद लेते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि वो क्या सुन रहा है। अगर हम उसको बहरा कहेंगे तो हमको कितना ख़राब लगता है, उसको भी कितना ख़राब लगेगा कि हम बहरा बोल रहा है ना। तो ये सब चीज़ नहीं बोलना है, वो दिव्यांग है, उसको ऊपर वाले ने उस तरह बना के भेजा है, तो उसको हमें प्यार देना चाहिए, उसको जो भी चीज़ है मदद करना चाहिए, और उसको मतलब घृणित नज़र से और घृणित से नहीं देखना चाहिए, उसको कोई भी चीज़ में मदद करना चाहिए। सरकार उसके लिए बहुत सारा नियम कानून भी निकाला है, अगर कोई वैसा है तो उसका एक सर्टिफिकेट बनता है जिससे उसको आगे आरक्षण भी मिलता है, और वो अपना एक
ऐसा नहीं है कि वो अगर चल बुल नहीं पा रहा है तो नौकरी नहीं कर सकता, वो डॉक्टर नहीं बन सकता, वो मास्टर नहीं बन सकता, वो सब कुछ कर सकता जो हम लोग कर सकते हैं। इसलिए कभी उन लोग के प्रति हम लोग को घृणित नज़र नहीं रखना चाहिए। तो आप समझ में आ गया था कि दिव्यांग किसको बोलते हैं? अगर वो पैर से भी अपंग है, हाथ से भी अपंग है, आँख से भी है, कान से भी है, मुंह से भी है, तो उसको हम लोग दिव्यांग बोलते हैं। आज के बाद हम लोग विकलांग कोई नहीं बोलेंगे उसको, है ना। अब तो लंगड़ा उड़ा कोई नहीं बोलेंगे, बहरा कोई नहीं बोलेंगे, कोई नहीं उसको आंधर बोलेंगे, हम लोग दिव्यांग बोलेंगे। क्योंकि वो एक विशेष अंग है जो हर किसी को नहीं मिलता, जिसको ऊपर वाले बनाता है उसी को मिलता है, उसलिए एक दिव्य अंग है। दिव्य मतलब आप लोग जानते होंगे चमत्कार, है ना। कोई भी चीज में चमत्कार होगा तो वो दिव्य अंग है, इसलिए हम लोग उसको दिव्यांग ही बोलेंगे। और उसको हम लोग मदद करेंगे, उसको जो भी मदद चाहिए मदद किया जाएगा। हम लोग भी कभी कम ऐसा आता है कि किसी का हाथ अगर यहाँ से इधर कटा हुआ है, पैर इधर कटा हुआ है, तो हम लोग के संस्था के द्वारा उन लोग को हाथ लगाया जाता है। हम लोग एक बार बोले भी थे यहाँ पे जगरानी को, ना शिविर लगाते हैं, उसको हाथ लगाया जाता है, आर्टिफिशियल हाथ, ताकि वो कुछ अपना काम कर सके। तो ऐसा फिर कभी आएगा तो हम लोग इसको बताएंगे, और जो रहेगा तो उससे आप अपना फायदा ले सकते हैं। हाँ, बैनर का भी बताइए। विकलांग का सर्टिफिकेट बनता है जिला अस्पताल में, वहाँ मेडिकल बोर्ड बनता है, उसमें डॉक्टर लोग, हड्डी के डॉक्टर, रात के डॉक्टर, सर्जन, फिजिशियन सब बैठते हैं, बोर्ड बनता है, उसका परसेंटेज मिलता है। जब परसेंटेज रहेगा विकलांग का तो उसमें उन लोग को कहीं जर्नी जाना है, उसमें टिकट का कंसेशन होता है, नौकरी जाना है लेकिन कंसेशन मिलता है। और ग्लोब लेवल में जैसे जैसे हाथ पता है तो देखते हैं क्या चाय रहती है, बैठने के लिए, उसके चलने के लिए, ये सब सरकार उपलब्ध कराती है। ग्लोब लेवल भेजेगा डीसी के पास, कल्याण विभाग के पास, डीसी के यहाँ वहाँ से उन लोगों को सब जानना चाहिए ना। घर में बैठा है उसको मदद मिल जाए तो अच्छा ना, इसलिए सर्टिफिकेट रहना जरूरी है। इसी तरह से विभाग सरकार देती है।